अरे विजय, ये साड़ी तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ रन विजय, अच्छी तो लगेंगी तुमने जो दिए दीदी को, अगर मुझसे एक बार भी डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा तुमने। नहीं, ये साड़ी राणा ने नहीं, मैंने खरीदी है। अरे वाह विजय दीदी, आप कब से झूठ बोलने लग गए? अगर ये साड़ी आपने खरीदी है तो फिर इस बिल पे रन विजय का नाम क्यों है? आज हम बात करेंगे माटी से बनी डोर के एपिसोड के बारे में, जिसमें हमें देखने को मिला है एक ऐसा मोड़ जो सबको हैरान कर गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब नायरा और समर के बीच बढ़ते तनाव को दिखाया जाता है। आज जया ने इतनी छोटी सी बात पे ऐसे रिएक्ट किया, इतना नाराज हो गई। जब उसे हम दोनों का सच पता चलेगा तो क्या करेगी? बस यही सोच के डरता हूँ मैं। फिर सोचता हूँ कि नायरा जो हमेशा अपने परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखती है, उसे इस बार कुछ ऐसी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। वहीं समर भी अपने अतीत की राजों को छुपाने की कोशिश में है, लेकिन क्या वो सफल हो पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या समर का राज उजागर होगा? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर सबको हमारा सच कहीं और से पता चल गया तो एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। Trust me, Vejo. पर तुम अब मेरी बात से अफेक्ट होना छोड़ दो, वो पास था जब। इसी के साथ एक और बड़े ड्रामा की शुरुआत होती है जब अनिकेत और सुहागन के बीच गलत फहमियां और भी बढ़ जाती हैं। अनिकेत का गुस्सा और सुहाना का दर्द दोनों ही इस एपिसोड में साफ झलकता है। सुहाना का किरदार हमेशा से दर्शकों के दिलों के करीब रहा है, लेकिन आज के एपिसोड में उसने जो फैसला लिया है वो उसकी पूरी जिंदगी पर क्या असर डालेगा, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। मैं तुमसे नफरत करता था, अब मैं तुम्हारे बारे में ऐसा फील नहीं करता हूँ। अब तो मैं तो मैं क्या, अब आप मेरे लिए क्या महसूस करते हैं? आपकी राय में क्या सुहाना ने सही किया? एपिसोड के आखिर में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जब रागिनी की वापसी होती है। रागिनी का अतीत और उसकी मुंशाएं सबके सामने आने लगती है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या इस बार भी अपने परिवार को धोखा देगी या कुछ और नया मोड़ आएगा इस कहानी में। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने नए सवाल खड़े कर रख दिए हैं और अब लोग इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगली बार क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।